शर्म तो आएगा ही ना। यहाँ पे लोग पूछते हैं कितने का, बोलते 3-4 हज़ार की है। बहुत लोगों के साथ होता है, कैमरा को फेस करना भी एक अलग बात है। कैमरा फेस करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप कैमरा फेस कर लो तो आप लोगों से कैसे भी बात कर सकते हैं। अभी मैंने ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं GoPro को लिए हुए, 1 महीना भी नहीं हुआ है मुझे लगता है, और इसके इनॉग्रेशन से 2-4 दिन पहले लिया था, 20 के आसपास। आपका नाम क्या हुआ? हिमांशु। सत्या कुमार ब्लॉग्स। हिमांशु नाम के मेरे बहुत दोस्त हैं यहाँ पे पटना में। हिमांशु नाम का मेरे को मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है हिमांशु नाम का। मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, एक एन कॉलेज का है और एक बीपीएससी का प्रिपरेशन करता है, दो हैं। ब्लॉगिंग के साथ मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आप क्या करते हो? इंजीनियरिंग। कहाँ से आप वीडियो में आने से कोई दिक्कत नहीं? मैंने उसको नहीं लिया अभी तो, मैं ये बीटेक कर रहा हूँ भोपाल से। कौन सा इंजीनियरिंग कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए अच्छा, गो अहेड इन योर करियर, गॉड ब्लेस यू। चलिए तो ये हिमांशु भाई हैं, अभी मैं आया था यहाँ पटना, जो गंगा पथवे है ये मिले, काफ़ी फ्रेंडली हैं, मैंने कभी मिला नहीं था। और फर्स्ट टाइम भाई, नहीं ऐसा तो होता है ना, मान के चलिए फर्स्ट टाइम आप मिल रहे हो मेरे से, मैं मिल रहा हूँ, और अच्छे से जब कन्वर्सेशन हो रहा है तो ये अच्छी बात है। कुछ कुछ लोगों को तो देखते हैं, मतलब कॉलेज में बहुत सारे हैं, कैमरा देख के अनकॉन्शियस फील करने लगते हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसा, बट ऐसा कुछ तो नहीं है। बहुत लोगों के साथ होता है, कैमरा को फेस करना भी एक अलग बात है। कैमरा फेस करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप कैमरा फेस कर लो तो आप लोगों से कैसे भी बात कर सकते हैं। यहीं पे मतलब एक नए आदमी को कैमरा आप पकड़वा दीजिए, शर्म तो आएगा ही ना, नहीं बोल पाएगा कैमरा के सामने। लोगों से इंटरेक्ट कर लेगा, लेकिन कैमरा से इंटरेक्ट करना, क्योंकि आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो तो आप बहुत समझ रहे हो कि उनके मेंटालिटी की। आप कैमरा वालों को बहुत सारा पब्लिक है, पब्लिक का बहुत सारा मेंटालिटी, आप उन सबसे डील करना है। इसका बैटरी हमने देखा 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चलता है। हाँ है, आप इससे भी एडवेंचर कर सकते हैं। तो माउंट भी तो दिया होगा, चेस्ट वाला एक हेड वाला। कुछ नहीं मिलेगा आपको, अलग से लेना, सब अलग से लेना पड़ेगा, जितने भी एक्सेसरी है ना सारे के सारे अलग से लेने पड़ेंगे आपको। चेस्ट में आप लगा सकते हो, हेड में लगा सकते हो, रिस्ट में लगा सकते हो। वाटर प्रूफ है। इसके अलावा हेलमेट माउंट है, वो भी खरीदना ही पड़ेगा। यहाँ तक इसको, इसका जो स्पेशल ट्राइपॉड है वो भी 6,000 का है, माउंट की तरह भी आता है और एक हैंड वेल। हाँ तो वो सारे के सारे महंगे ही हैं, सब आपको लेने में करीब 70 के आसपास पड़ते हैं। एक चीज़ है इसमें सबसे बढ़िया जो बात है, वाइड एंगल एंड वाइड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी कैमरा में आप लोग वाइड एंगल लिए मज़ा नहीं। और इसमें स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छा आता है, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो ना, मतलब जितना भी शेक कर रहा है कैमरा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, एकदम स्टेबल रहेगा, ये वीडियो में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। वॉइस कैंसिलेशन पता नहीं, मैंने यूज़ नहीं किया है। नहीं, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स का देखा है, इनफैक्ट मैं भी मतलब कॉलेज में कैमरा ही फोटोग्राफर क्लब में। अच्छा, कैमरा के बारे में नॉलेज, इसके बारे में कोई पता नहीं। अब आपने बोला है बैकअप, और ये एसडी कार्ड कितने इसका? एसडी कार्ड तो अलग से लगाना। हाँ, मैंने इसमें 128 GB का लगाया है। हाँ, 4K भी है, 8K नहीं मिलेगा, 4K है। GoPro 9 आजकल आ गया उसमें शायद। हाँ, उसमें 5K तक है। आजकल इतने सारे कैमराज हैं, बहुत हाई टेक और हाई एक्सपेंसिव भी है, बहुत ज़्यादा। अब GoPro में जो अभी जो नया लॉन्च हुआ है, जो GoPro 10 है, वो करीब 55 का है। 55
सारा एक्सेसरीज लेकर के 80 के आसपास पड़ जाता है। बहुत एक्सपेंसिव भी आता है। सब लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, बहुत दिक्कत है। और पता है सबसे बड़ा अजीब बात क्या है, इसको कोई भी देख करके नहीं, जैसे कि आपको इसके बारे में पता है, आप चलो भाई गोप्रो है उनको कैमरा भी नहीं लगेगा, और उनको एक बार प्राइस बता के देखो आप। लेंसेज चेंज करना पड़ेगा ना उसको, लेंस चेंज करो तो उसका उसमें जितना में लेंस कर दो वाइड लेंस उसमें आप लिया आराम से। यहाँ पे लोग पूछते हैं कितने कैमरे, 3-4 हज़ार की है।